वेलकम टू इंग्लिश विद अल्ताफ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले एज फार एज, फिर उसके बाद हम सीखेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, फिर उसके बाद सीखेंगे एज लॉन्ग एज, फिर उसके बाद हम सीखेंगे एज सून एज पॉसिबल, देन एज अ रिजल्ट ऑफ, देन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो चलें स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा हाउ टू यूज एज फार एज, जो कि यूज होता है जिन उर्दू के सेंटेंसेस में जहां तक आए। जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं सलमान बेगुनाह है, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई थी, उसके माँ बाप ने उसे सपोर्ट किया जहां तक वो कर सकते थे। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में जहां तक आया, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में एज फार एज यूज करते हैं। तो चलें एज फार एज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप एज फार एज को सही तरीके से यूज कर सके। ये जो एज फार एज है इसके साथ गिने चुने वर्ब्स ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि नो, थिंक, रिमेंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, और वैसे तो एज फार एज सेंटेंसेस से पहले यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सेंटेंसेस के बीच में भी आता है। ठीक है, तो चलें सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। जहां तक मुझे पता है वो दुबई जा चुका है। As far as I know, he has gone to Dubai. As far as I know, he has gone to Dubai. जहां तक मेरा ख्याल है उसने तुम्हारे भाई से कोई बदतमीजी नहीं की। As far as I think, he didn't misbehave with your brother. As far as I think, he didn't misbehave with your brother. जहां तक मैं याद कर सकता हूं ये चौथी बार हम मिले हैं। As far as I can remember, this is the fourth time we have met. As far as I can remember, this is the fourth time we have met. उसके माँ बाप ने उसे सपोर्ट किया जहां तक वो कर सकते थे। His parents supported him as far as they could. His parents supported him as far as they could. जहां तक मैं जानता हूं सलमान बेगुनाह है। As far as I know, Salman is innocent. As far as I know, Salman is innocent. हम अक्सर कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, सुनते हैं और कभी कभार लिखते भी हैं, जैसे कि जहां तक मेरा ताल्लुक है वो लड़का मुझे सही लगता है, जहां तक मेरे भाई का ताल्लुक है मैं उसे तुम्हारी टीम में नहीं खेलने दूंगा, जहां तक हमारा ताल्लुक है हम वर्ल्ड टूर के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में जहां तक फिर किसी का ताल्लुक ये कॉमन है, और जब हम इस तरीके के उर्दू के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। एज फार एज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस कंसर्न्ड देन एनी सेंटेंस। तो चलें आप कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप इस स्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे वो लड़का सही लग रहा है। As far as I'm concerned, that boy seems nice, या तो आप गुड भी कर सकते हैं। जहां तक मेरे भाई का ताल्लुक है मैं उसे तुम्हारी टीम में नहीं खेलने दूंगा। As far as my brother is concerned, I will never let him play into your team. जहां तक हमारा ताल्लुक है हम वर्ल्ड टूर के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। As far as we are concerned, we cannot afford expenses of world tour. जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। As far as I am concerned, I will never go in this wedding. जहां तक आमिर का ताल्लुक है वो अब तुमसे दोबारा नहीं मिलेगा। As far as Amir is concerned, he will never meet you again. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक कंजंक्शन एज लॉन्ग एज, जो कि यूज होता है जब हम उर्दू में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि जब तक मेरे पास कार है ये लोग मेरे दोस्त हैं, जब तक तुम उसकी तारीफ करोगे वो खुश रहेगी, मैं जब तक जिंदा हूँ तुमसे प्यार करता रहूंगा, जब तक तुम किराया टाइम पे दोगे तब तक ये दुकान तुम्हारे पास रहेगी। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में जब तक आया,
और आपको इन सेंटेंसेस की सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के लिए इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज की अक्सर यूज़ की जाने वाली सिचुएशन कुछ अलग होती है। इन सेंटेंसेस में एज लॉन्ग एज यूज़ हुआ क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। जब तक के ये एक काम हो रहा है तो इसी की वजह से ये दूसरा काम हो रहा है या रहेगा। जैसे कि जब तक तुम उसकी तारीफ करोगे वो खुश रहेगी। As long as you admire her, she will be happy. इस सेंटेंस में आपने देखा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। जब तक तुम उसकी तारीफ करोगे एक सेंटेंस, वो खुश रहेगी दूसरा सेंटेंस। आपने एक सेंटेंस में कुछ काम करा और उसकी वजह से दूसरे सेंटेंस में दूसरा काम हुआ, ठीक है। और as long as के यूजुअली जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूजुअली unless यूज करते हैं। चले आप इसको यूज करने का तरीका देखते हैं। जब तक मेरे पास कार है ये लोग मेरे दोस्त हैं। As long as I have a car, they are my friends. इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, They are my friends as long as I have a car. सेंटेंस इधर हो या उधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है, as long as के साथ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा और दूसरा सेंटेंस कोई भी हो सकता है। As long as के साथ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होता है तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लस कैन भी हो सकता है, या तो सब्जेक्ट प्लस हैव भी हो सकता है, या तो सब्जेक्ट प्लस एम भी हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको एज लॉन्ग एज यूज करने का तरीका आ गया होगा। अब चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, ठीक है। मैं जब तक जिंदा हूं तुमसे प्यार करता रहूंगा। एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल कीप लविंग यू, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल कीप लविंग यू एज लॉन्ग एज आई लिव। आपने देखा जो एज लॉन्ग एज वाला सेंटेंस है हमने उसमें प्रेजेंट सिंपल ही यूज किया, ठीक है। जब तक हम अच्छी तरह खेलते रहेंगे हम जीतते रहेंगे। एज लॉन्ग एज वी कीप प्लेइंग वेल वी विल कीप विनिंग गेम्स। एज लॉन्ग एज वी कीप प्लेइंग वेल वी विल कीप विनिंग गेम्स। जब तक तुम किराया टाइम पे दोगे तब तक ये दुकान तुम्हारे पास रहेगी। एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट ऑन टाइम दिस शॉप विल बी इन योर हैंड। As long as you pay the rent on time, this shop will be in your hand. जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब अच्छा है। अच्छा, इस सेंटेंस में जब तक भी आया और तब तक भी आया, तो तब तक की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर आप इसको ट्रांसलेट ना भी करें, इसको इंग्लिश में अगर ना भी लिखें, तो आपका सेंस कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस का, ठीक है। जैसे कि As long as you are with me, everything is good. इसमें हमने तब तक की ट्रांसलेशन सेंटेंस में नहीं लिखी, लेकिन इसका सेंस कंप्लीट हो गया सेंटेंस का, ठीक है। जब तक तुम गाड़ी चलाओगे मैं सो सकता हूँ। As long as you drive a car, I can sleep. As long as you drive a car, I can sleep. जब तक वो मुझे पैसे देता रहेगा मैं उसका काम करता रहूँगा। As long as he gives me money, I will keep doing his work. As long as he gives me money, I will keep doing his work. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे as soon as possible. और as soon as possible यूज होता है जब हम उर्दू में कोई काम जल्द से जल्द करने की बात करते हैं। जैसे कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। मैंने जल्द से जल्द घर जाने का सोचा। अपना फैसला जितना जल्दी हो सके हमें बता दो। वो जल्द से जल्द काम पर वापस आने के लिए बेचैन है। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में जल्द से जल्द या जितना जल्दी हो सके ये कॉमन है, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में एज सून एज पॉसिबल यूज करते हैं। अब चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप एज सून एज पॉसिबल को सही तरीके से यूज कर सकें। और ये जो एज सून एज है ये कुछ सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस आता है फिर उसके बाद एज सून एज आता है, और कुछ सेंटेंसेस में पहले एज सून एज आता है फिर उसके बाद कोई सेंटेंस आता है, और कभी कभार ये दो सेंटेंसेस के बीच में भी आता है, ठीक है। ये हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलें सेंटेंसेस बनाते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद को कॉल करो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है।
कॉल योर फादर एज सून एज पॉसिबल, ही इज वेरी वरीड अबाउट यू। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर एज सून एज आया सेंटेंस के बीच में, ठीक है। अब और सेंटेंस देखते हैं। बराए करम जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला करो। प्लीज मेक योर डिसीजन अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। अब इधर देखिए, पहले हमने सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद एज सून एज एंड में लगाया, ठीक है। जितना जल्दी मुमकिन हो मुझे एड्रेस में तब्दीली से आगाह करें। एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्म मी ऑफ एनी चेंज ऑफ एड्रेस। अब इस सेंटेंस में देखें, स्टार्टिंग में एज सून एज पॉसिबल आया, ठीक है। अब चलें और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं जल्द से जल्द दोबारा राब्ता करने को राजी हो गया था। आई एग्रीड टू कॉन्टेक्ट अगेन एज सून एज पॉसिबल। बराए करम उसको वहां भेजो जितना जल्दी हो सके। प्लीज सेंड हिम देयर एज सून एज पॉसिबल। मुझे पैसों की जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके मुझे दे दो। आई नीड द मनी, गिव मी एज सून एज पॉसिबल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ, जो कि यूज होता है जब हम उर्दू में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि आग की वजह से वो खौफजदा थी, जख्मों के नतीजे में उसकी मौत हो गई, धुंध के नतीजे में परवाज में ताखीर हुई, वो हादसे के नतीजे में जख्मी हुआ है। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में के नतीजे में या की वजह से कॉमन है, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में एज अ रिजल्ट ऑफ यूज करते हैं। अब चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जख्मों के नतीजे में उसकी मौत हो गई। ही डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इंजरीज। ही डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इंजरीज। धुंध के नतीजे में परवाज में ताखीर हुई। द फ्लाइट वॉज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। द फ्लाइट वॉज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। वो हादसे के नतीजे में जख्मी हुआ है। ही इज इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। ही इज इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। ये सैलाब बहार की तेज बारिशों के नतीजे में आया। द फ्लड केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द हैवी स्प्रिंग रेन्स। द फ्लड केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द हैवी स्प्रिंग रेन्स। आग की वजह से वो खौफजदा थी। She was scared as a result of the fire. She was scared as a result of the fire. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे as a matter of fact, और ये कुछ इस तरह की situations में use होता है, जैसे कि आपका कोई भाई हो बहुत ज्यादा कंजूस, ठीक है, और कोई गलती से उसको कह दे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सकी है, मतलब बहुत पैसे खर्च करता है, और आपको पता है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा कंजूस है, तो आप उस शख्स को चार तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं जो ये कह रहा है कि आपका भाई सकी है। आप कुछ यूं रिप्लाई कर सकते हैं, हकीकत तो ये है कि मेरा भाई बहुत कंजूस है, सच तो ये है कि मेरा भाई बहुत कंजूस है, या तो सच बात तो ये है कि मेरा भाई बहुत कंजूस है, सच्चाई तो ये है कि मेरा भाई बहुत कंजूस है। अब देखिए ये उर्दू के चार जुमले हैं, लेकिन आप इसको इंग्लिश में खाली एक सेंटेंस से लिख सकते हैं। As a matter of fact, my brother is so miser. I hope कि आप समझ गए होंगे कि हम as a matter of fact किस तरीके की situations में use करते हैं। अब चलें इसकी कुछ practice करते हैं, कुछ sentences बनाते हैं, ताकि आप इसको long term तक याद रख सकें और सही से use कर सकें, ठीक है। हकीकत तो ये है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। As a matter of fact, he is cheating on you. इस sentence में जो हमने cheating on use किया है, ये cheat on एक phrasal verb है, ठीक है। ठीक है, सच्चाई तो यह है कि मैंने ये किया था, अब कर लो जो कर सकते हो। Well, as a matter of fact, I did that. Now do whatever you can. सच तो यह है कि वो बहुत मसरूफ है। As a matter of fact, he is so busy. सच बात तो यह है कि हम सब वहां थे। We all were there as a matter of fact. या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं। As a matter of fact, we all were there. सच बात तो यह है कि वो कल वहां जा रहा है। He is going there tomorrow as a matter of fact. हकीकत तो यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। As a matter of fact, I didn't have anything. सच बात तो यह है कि आमिर ने कभी भी तुमसे प्यार ही नहीं किया। As a matter of fact, आमिर never ever loved you.